बात करेंगे दमोह की, जहां बफर जोन के जंगलों में भीषण आग लग गई है। मर्यादो बफर जोन के कालकुआ इलाके में आग लगी है। मर्यादो फॉरेस्ट टीम के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम भी मौके पर मौजूद है। कई किलोमीटर दूर से ही जंगल में आग देखी जा रही है। मर्यादो बफर जोन के कालकुआ इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर आग लगी है। तो ये देखिए किस तरीके से आग ने विकराल रूप ले लिया है। जंगलों में आग लगने की खबरें, हालांकि कई किलोमीटर दूर जंगल की आग देखी जा सकती है। कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। वन विभाग की टीम भी यहां पर मौजूद है। बफर जोन के जंगलों में भीषण आग लग गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। यहां पर पेड़ भी सूखे हैं, जिसकी वजह से आग और भी जल्दी फैल रही है। सूखे पेड़ों में आग लग रही है, पौधे कई यहाँ पर हैं जो जल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जंगल की जो आग है वो कई किलोमीटर दूर तक फैल रही है, लेकिन आग को बुझाने का भी प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि आग ज़्यादा ना फैले और नुकसान ना हो, क्योंकि अचानक से आग लगी है। ये बफर जोन के जंगलों में लगी है आग, कई किलोमीटर तक फैल गई है। आशीष जैन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कारण क्या पता चल पाए हैं आग लगने के? अनिश्चित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मर्यादो जो का जो बफर जोन है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। यहाँ पर गर्मी के मौसम में इस तरह की स्थितियां बनती है, चूंकि पत्ते सूख करके गिरते हैं। हाँ। वहां पर लोगों का ट्रेवलिंग होती है, वो लकड़ियां पीने जाते हैं और बीड़ी सिगरेट आदि पीने की वजह से वहां पर आग लगने की समस्याएं होती हैं। हाँ। और जंगल में अभी आग है, वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है, पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम भी वहां पर मौजूद है, आग को बुझाने की कोशिश जारी है। लेकिन कल से लगी हुई आग अभी तक बुझ नहीं सकी है, जैसी हमारे सूत्रों ने वहां पर बताया। हालांकि प्रयास जारी है, लेकिन यह आग जो है कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही है, तो ऐसा लगता है कि इसको बुझाने में अभी एक दो दिन और लगेंगे और ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इससे जंगली जानवरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी बड़ा जंगल है पन्ना टाइगर रिजर्व का और दमोह जिले की सीमाओं से लगा हुआ ये पूरा इलाका है, कलकुआ का इलाका है, और इससे मार्ग पर आग लगने का जो मामला सामने आया है उसको बुझाने का प्रयास वन विभाग और पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए। आचार संहिता के साथ ही भोपाल में धारा 144 लागू हो गई है। 81 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। बिना अनुमति के धरना नहीं कर सकेंगे, रैली जुलूस बैंड बाजे डीजे बजाने के लिए भी अनुमति लेनी होगी। किराएदारों की भी जानकारी नजदीकी थाने में देनी होगी। किराएदार रखने पर थाना प्रभारी को सूचना देनी होगी। 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। धारा 144 भोपाल में लगा दी गई है। आचार संहिता तो लागू है ही, लेकिन अब धारा 144 यानी कोई रैली और कोई बड़ा आयोजन नहीं हो सकेगा। परमिशन लेनी जरूरी होगी। इसके अलावा 5 लोग से भी ज्यादा अगर व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह पर तो उस पर भी पाबंदी है। कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी किया गया है। ग्वालियर की बात करेंगे, जहां आचार संहिता लागू होने के बाद एक बुजुर्ग की अनोखी पहल चर्चा में है। उटीला गांव के रहने वाले 85 साल के बुजुर्ग आचार संहिता के लागू होने के बाद एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में डंडा पकड़कर थाने पहुंचे और अपनी बंदूक जमा करा दी। बुजुर्ग की इस पहल को देखकर SDOP ने उनको फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी लाइसेंसधारियों से अपने अपने हथियार जमा कराने की अपील की है। देखिए काफी अच्छी तस्वीर है और ये सीख है उन लोगों के लिए जो लोग नियम कानून को नहीं मानते, कुछ भी उनका पालन नहीं करते। 85 साल की उम्र में भी नियमों का पालन करते हुए इन बुजुर्ग को देखा जा सकता है। हालांकि इनकी ईमानदारी ने और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर पहुंचकर अपना हथियार जमा करवाया, अपनी बंदूक जमा कराई है यहाँ पर, उसके बाद फूल माला पहनाकर पुलिसकर्मियों ने उनका स्वागत किया और साथ ही उनसे कुछ देर बातचीत भी की। 85 साल के बुजुर्ग हैं ये। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।